Hello students, in last video we have discussed about geometrical meaning of zeros of polynomial. If you have not watched that video, I request you all to go through that video first, then come to this video. In this video, today I am going to discuss relationship between zeros and coefficient of polynomial. As you remember, yesterday I told you first type of polynomial was linear polynomial. कल मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1. पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. आल्सो आई गिव स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल व्हिच इज ax plus b. दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. तो आपको क्या यहां पे क्वेश्चन बताना क्या है मुझे, जीरोस बता चुका हूं पीछे क्या होता है. कोएफिशिएंट क्या होता है पहले ये चीज समझ लीजिए. कोएफिशिएंट इज अ नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल. कोएफिशिएंट जो होता है नंबर होता है, इट इज अ रियल नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड विद पॉलिनोमियल, सॉरी वेरिएबल. वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं. तो इस कोएफिशिएंट का जीरो से क्या रिलेशन है, ठीक है. जीरो भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं. जीरो मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच सेटिस्फाइज दिस पॉलिनोमियल. एक्स का वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, ठीक है. तो कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू निकालना, मतलब जीरो कैसे निकालेंगे. मैंने बताया था कि विल इक्वेट दिस पॉलिनोमियल विद जीरो. इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर ले लेंगे. उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. विल गेट व्हाट ax इक्वल टू माइनस बी, देन x इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो फॉर दिस पॉलिनोमियल माइनस बी बाई ए इज व्हाट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है. ये पॉलिनोमियल ये क्या हो गया, ये भाई ये जीरो हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल. तो इसका रिलेशन कोएफिशिएंट से कैसे होता है, अब ध्यान से देखो. तो ए क्या है, ए क्या है, इसके आगे लिख देते हैं हम. तो ये माइनस साइड, बी इज व्हाट, बी इज कांस्टेंट टर्म. बी क्या है, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट खाली कह दीजिए, अपॉन ए क्या है, ए जो है एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, शॉर्टकट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है. तो क्या रिलेशनशिप मिला. अगर कोई क्वेश्चन देता है कि x प्लस 3 का जीरो बताओ और उसका कोएफिशिएंट से रिलेशनशिप बताओ, तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो, माइनस बी बाई ए. यहाँ पे b का वैल्यू क्या भाई, या 4x ले लेता हूं चलो समझने के लिए. तो क्या आएगा, माइनस का साइन, फॉर्मूला जो आपका माइनस बी बाई ए, दिस इज व्हाट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इसी को हम कहते हैं ना जीरो, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब 3, माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है. तो देखा आपने कि जो जीरो होता है वो कोएफिशिएंट इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली निकला जा सकता है. और एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल 2x माइनस 3, ठीक. तो आंसर क्या आएगा, इसका जीरो क्या होगा, माइनस है, माइनस साइन पहले लगाते हैं हम लोग, ये माइनस में से आ जाएगा प्लस बी अपॉन ए, मतलब क्या आएगा 3 अपॉन 2. या फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस. दिस वे वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है. इसको नोट कर, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है. अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखेंगे जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial. If you remember, yesterday I told you the general form or standard form of quadratic polynomial was ax square plus bx plus c. ठीक है. यहाँ पे a किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, b किसका कोएफिशिएंट है, x का, और c किसका कोएफिशिएंट है, c किसका कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म का, या कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, ठीक है. अगर कल ज्योमेट्रिक मीनिंग को ध्यान से देखा रहेगा वीडियो, तो उसमें एक और चीज बताई थी, इसका डिग्री कितना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है. देन दिस पॉलिनोमियल विल हैव एटमोस्ट 2 जीरोस, इसके अधिक से अधिक 2 जीरो हो सकते हैं, ठीक है. तो 2 जीरोस को मैं मान लेता हूं. लेट फर्स्ट जीरो इक्वल टू अल्फा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस. ये अल्फा बीटा कोई नया चीज नहीं है, ठीक है. ये जीरोस को मान लिया मैंने, एक्स वाई जैसे लेते हैं, एक्स वाई यहां यूज कर चुका हूं, इसलिए नया लेकर मैं अलग वेरिएबल लिया, ये उनके जीरोस हैं, तो इनमें रिलेशनशिप दो तरह से फाइंड करते हैं। पहला चीज है हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, इसको मैं कहता हूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। दिमाग में आया सभी, कैसे आया, कहां से लिख दिया आपने? ठीक, बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, इसको बताते हैं कैसे आया है किसे। ठीक, तो फिलहाल अगर माइनस बी बाई ए इसका फॉर्मूला हो गया। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30। ठीक है, if you find this polynomial zero polynomial in class 9 you have studied how to find zero for this of this polynomial। कैसे फाइंड करते हैं जीरोस का? विल फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इक्वल टू जीरो ओवर हियर, देन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30। आपको पता होगा कि प्रोडक्ट दोनों का ऐड करने पे ये आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन पेयरिंग बना के कॉमन निकालते हैं। विल मेक पेयर एंड टेक कॉमन, एक्स माइनस 10 हियर आई कैन टेक माइनस 3 कॉमन फ्रॉम बोथ एक्स माइनस 10 equal to 0. So we got x minus 10 as first factor and x minus 3 as second factor. As you all know that if product of two numbers is zero, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होगा। So either first number is zero or second number is zero or both is zero. Example के तौर पर देखो 6 into 0, answer is 0. Here in this case first number was 0 and 0 into 6. You will get what? 0 again. In this case, second number was 0. If I take 0 into 0, we'll get 0 again. So in short, if I say product of two number is 0, it means either first number is 0 or second number is 0 or both is 0. That's why we can say that either x minus 10 is 0 or x minus 3 equal to 0. So we'll put x minus 10 equal to 0 or x माइनस 3 इक्वल टू 0। यही रीजन है कि हम यहाँ बीच में और डालते हैं कि हमें पता नहीं कि ये जीरो है कि वो जीरो है कि दोनों जीरो है। दैट्स व्हाई हम क्या लिखते हैं यहाँ पे और का साइन डालते हैं। ठीक है, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 मींस व्हाट? x इक्वल टू 10 एंड हियर x इक्वल टू 3। दीज आर द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा। ये जो रिलेशनशिप है हम इसको वेरीफाई करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, सॉरी दिस जीरोस। ये जीरोस लेकर हम इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है पहले? सम ऑफ जीरोस। मतलब जो आंसर्स आए हैं, जीरोस आए हैं, उनका हम सम निकालते हैं, देखते क्या आता है। मींस विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा ओवर हियर, वंस बाय फॉर्मूला एंड वंस बाय टेकिंग नंबर्स। तो पहले नंबर लेके चेक करते हैं क्या आएगा। 10 प्लस 3 विच इज 13। नाउ विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। So alpha is 10, beta is 3, 10 3 is 30, you all know that, so 30। ये हमने नंबर्स का यूज करके क्या किया, नाम पर सम ऑफ जीरोस निकाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला वी विल चेक वेदर दिस आंसर इज सेम और नॉट, इट इज वेरीफाइड और नॉट, चेक करेंगे, जांच करते हैं उसका। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इन अदर वर्ड्स इफ आई से बी किसका कोएफिशिएंट है? बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और a किसका कोएफिशिएंट है? a इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस ऑल राइट हियर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला बना? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या फॉर्मूला बन रहा है? c अपॉन ए। c क्या है भाई? इसमें देखो जरा ध्यान से, c इज अ कांस्टेंट टर्म, सो विल राइट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन अगेन वी हैव व्हाट? a, a इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो वी विल राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Now using this formula we will verify whether sum of 0 is 13 and product of 0 is 30 or not. Okay. Now see, using this formula, alpha plus beta is equal to what we have, minus ba by a. Now if you compare this polynomial with ax square plus bx plus c, we will get a value as 1, b value as -30 and c value as 30. तो यहां रख देते हैं a values of b values how much? -13. So this minus sign and this minus sign will become what? Plus. So 13. A का वैल्यू क्या है भाई? 1. So 13/1 is nothing but 13 only. So आप चेक कर लीजिए आंसर सेम है. So ये वेरीफाई हो गया. सम ऑफ जीरो से ही हमारा. Now प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है भाई? सी बाई ए. अब सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 30. ए इज 1. सो आंसर इज अगेन 30/1 विच इज 30. तो चेक कर लीजिए सेम आ रहा है. सो हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड. आपको एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. सो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दैट सम. ओके, अब ये क्वेश्चन एक और दिमाग में आया होगा आप लोग को कि ये फॉर्मूला आया कैसे. ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं. तो ठीक है, तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए. अभी देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है. इसका जनरल फॉर्म का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म ही कैसे. ठीक है, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. ठीक है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर वर्ड में लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहां पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस. ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. दिस यू माइट हैव स्टडीड इन 9th क्लास. एक्स स्क्वायर माइनस, दिस इज द जनरल फॉर्म. इसी फॉर्म का यूज करके मैंने वो फॉर्मूला डिराइव किया था, अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए. कैसे देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया मैंने क्वाड्रेटिक का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पता है. अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा, सॉरी, इफ यू कंपेयर विद दिस, यहां एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ये ए प्रॉब्लमेटिक है. ए को हटा दे हमारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी. ए को हटाना मतलब ऐसे मिटा दे नहीं, वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर कैंसिल, सॉरी ए वी हैव डिवाइड बाय ए. सॉरी, यहाँ पे ए था, इसे डिवाइड कर दिया, सबको ऐसे डिवाइड कर दिया. तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये मिला. अब इससे कंपेयर करना है क्योंकि मुझे सम ऑफ जीरो पता करना है क्या होता है. तो सम ऑफ जीरो के बाहर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है. तो इसको इसके फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगले स्टेप में यहाँ माइनस लगा देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगा के बी बाई ए लिख देता हूँ. कोई दिक्कत से, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा ये प्लस हो जाएगा नॉर्मल. ठीक, और बाहर एक्स है ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस सी बाई ए कॉपी कर लीजिए. नाउ व्हेन यू कंपेयर दिस टू रिलेशंस, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, तो पॉलिनोमियल तो बदले नहीं हमारे, सेम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो सम ऑफ जीरोस की जगह पे क्या लिखा है? माइनस बी बाई ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, विचार रिटर्न हो गई. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखा है? सी बाई ए, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा? सी बाई ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग. नाउ विल सी थर्ड पॉलिनोमियल विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. बस तीन ही पॉलिनोमियल के बारे में आपको पढ़ना है इस साल. ठीक है, ऐसे तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ सकते हैं आगे, बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल हैं, लेकिन सिर्फ इस साल के सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक हमें डिस्कस करना है. उनका ही जीरोस और पॉलिनोमियल के रिलेशन को देखना है, कोएफिशिएंट रिलेशन को चेक करना है. ठीक है। नाउ थर्ड इज व्हाट क्यूबिक पॉलीगोन। The general form, standard form for this polynomial is, standard form क्या होता है इस polynomial का मैंने कल बताया था आपको, ax cube plus bx square plus cx plus d, this is what standard form। अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म जैसे मैंने दिया था इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, उसी तरह इसका भी जनरल फॉर्म होता है, वो इस तरह होता है एक्स क्यूब माइनस, I will not write sign first so that you will understand, एक्स क्यूब देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा इज थर्ड रूट बिकॉज इट्स डिग्री 3, इसका डिग्री 3 है, इसके जीरोस कितने होंगे एटमोस्ट 3 जीरोस इट विल हैव, तो मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर देन अल्फा बीटा बीटा गामा एंड अल्फा गामा एक्स, देन वी हैव अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ओके। और बीच में साइन मैं अभी लिखने जा रहा हूं, साइन प्लस माइनस क्या क्या होगा, ठीक है, आप ध्यान से रखेंगे क्योंकि साइन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने साइन एक साथ नहीं लिखा है। साइन कैसे लिखते हैं, पहला हमेशा प्लस रहेगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, लाइक दिस। अगर क्वाड्रेटिक का याद करो तो क्या था, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा था, ठीक है, तो यहां भी साइन चेक कर लेते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। साइन में अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं तरीका बताया हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अभी 5 डिग्री 5 रहेगा, देयर मस्ट बी टर्म्स, तो जो भी टर्म्स होंगे उनमें कैसे साइन लगाएंगे, प्लस माइनस देन प्लस माइनस देन प्लस माइनस देन प्लस माइनस, like this we have to go on, ठीक है। आई होप साइन वाला कंसेप्ट समझ में आया आपको, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पता करना है आपको, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब क्या अल्फा बीटा गामा क्या भाई, इधर आपको जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ये अगर तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस के लिए अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा, एक बार हम लोग इसका फाइंड करके दिखाते हैं, कैसे फाइंड करते, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक का किया था उसी तरह इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं इधर साइड में, कैसे फाइंड करेंगे, इसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे पिछले क्वाड्रेटिक में सिखाया था वैसे ही सेम यहाँ पे इसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जरा इसके फॉर्म को ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब के साथ ए है, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे सबको ए से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर मैं सबको ए से डिवाइड करूं तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, व्हाट आई डिड डिवाइडिंग बाई ए, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ प्लस है, तो जैसे हम पिछले में किए थे वैसे ही कर लेंगे, क्या करेंगे एक साइड माइनस का बाहर लगाएंगे, अंदर ब्रैकेट में प्लस माइनस ले लेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड टर्म में तो विल राइट एज इट इज। फोर्थ टर्म में अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है, तो मैं क्या करूंगा इसको माइनस बाहर लगाऊंगा, अंदर भी माइनस लेकर लाइक दिस, ओके। नाउ वी विल कंपेयर, कंपेरिजन करेंगे। सेकेंड टर्म है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, विच इज व्हाट, दिस इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Now here coefficient of x square is minus b by a, मतलब दोनों सेम है, so we got formula for alpha plus beta plus gamma equal to, all right here alpha plus beta plus gamma equal to what we have got minus b upon a, okay, and alpha beta beta gamma and alpha gamma, उसका क्या formula है alpha beta beta gamma and अल्फा गामा, इसका फॉर्मूला क्या बना भाई, इसकी जगह पे देखो c अपॉन a, सो वी गॉट c अपॉन a, एंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा वी हैव माइनस b बाई a, माइनस b बाई a। अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो कैसे लिखेंगे इनको वर्ड्स में, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, b किसका कोएफिशिएंट है भाई, b एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। यहाँ लिखेंगे तो लिखना चाहते हैं तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन a, a किसका कोएफिशिएंट है, a है कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का। यहाँ लिखेंगे नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। सेकेंड c बाई a, c किसका कोएफिशिएंट है भाई, c इज कोएफिशिएंट ऑफ x, सो वी विल राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट d बाई माइनस d बाई a, d क्या है कांस्टेंट टर्म है, a अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, सो वी विल राइट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। दिस इज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द कांसेप्ट, प्लीज Please note it down, and in next video we are going to discuss exercise 2.2. Thank you for watching this video.